मॉर्निंग वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आरसी एजुकेशन हब बंसू। लेट्स स्टार्ट क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 9। बिफोर दैट वी वर डिस्कस्ड अबाउट द चैप्टर नंबर 8 मिनरल न्यूट्रिशन इन द प्लांट्स। ओके नाउ लेट्स स्टार्ट न्यू चैप्टर एंजाइम। ओके एंड दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस यूनिट एंजाइम। सो देखिए नंबर ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी रेगुलरली एंड सम ऑफ द कॉम्पोनेंट्स विच आर हेल्पफुल इन एनहांसिंग द रेट ऑफ दीज केमिकल रिएक्शंस। ओके एंड दीज कॉम्पोनेंट्स आर नोन एज एंजाइम्स। ओके सो व्हाट आर एंजाइम्स? इफ यू कैन डिस्कस अबाउट ए परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ एंजाइम्स then enzymes are the globular proteins. enzymes are the globular proteins. देखिए the word globular means a round structure of protein. okay why we are saying that it is a globular protein? because देखिए protein के तीन structures होते हैं जिसको हम 11th class में study करते हैं, जिसमें एक linear structure होता है, okay एक 2D स्ट्रक्चर होता है दैट इज इन दिस फॉर्म और एक होता है इस फॉर्म में। ओके तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। ओके यानी जो 3D स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का वो होता है एंड सो एंजाइम्स आर द ग्लोबुलर प्रोटीन्स विच एक्ट एज बायो कैटलिस्ट इन लिविंग सेल्स। बायो कैटलिस्ट का मीन्स क्या होता है? मीन्स दे इनहांस द और दे स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसीलिए हमने बात की कि एंजाइम्स की एक बहुत ही परफेक्ट डेफिनेशन है, दीज आर द ग्लोबुलर प्रोटीन विच एक्ट एज बायो कैटलिस्ट इन द लिविंग सेल्स। ओके लेट डिस्कस द जनरल फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंजाइम्स। दीज आर द ग्लोबुलर प्रोटीन। स्टार्टिंग में हम डिस्कस कर चुके हैं ग्लोबुलर प्रोटीन का मतलब यही है कि जो स्ट्रक्चर है दैट इज 3D स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। ओके जिसके अंदर कुछ एक्टिव साइट्स भी होती हैं। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। स्पेशली ध्यान देने की चीजें जितने भी एंजाइम्स होते हैं दे आर प्रोटीन्स बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। लेकिन हर प्रोटीन एंजाइम नहीं हो सकता। एंजाइम्स एक्सेलरेट द रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स। देखिए यहाँ पे एक वर्ड इन्होंने यूज किया है एक्टिवेशन एनर्जी कि एंजाइम किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को इनहांस कर देता है, बढ़ा देता है उसकी जो फॉर एग्जाम्पल कोई रिएक्शन 2 आवर में कम्प्लीट होनी थी बट एंजाइम की वजह से वो रिएक्शन 1 या 1/2 आवर में कम्प्लीट हो जाती है। वो क्यों हो जाती है? बिकॉज इट डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखिए एक्टिवेशन एनर्जी मीन्स क्या होता है, कैसे इसको डिक्रीज करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक बहुत बड़ा पिट है, गड्ढा। 3 लोग हैं जिनको इस पिट को क्रॉस करना है। ओके बहुत बड़ा नहीं कह सकते हम, एक मीडियम साइज कह सकते हैं। एक पर्सन है विच हैविंग द 2 legs, एक पर्सन है विच हैविंग ओनली 1 leg एंड 1 person हु इज सिटिंग ओवर द व्हील चेयर। ओके और इसके लेग मीन्स काम नहीं करते हैं। तो सिंपल सी बात है हम इनको सबको रिएक्टेंट मान के चलते हैं। ओके ये सब रिएक्टेंट है। अब ये क्या है? बिकॉज इसके पास 2 legs होंगे इजिली इसको क्रॉस कर सकता है जंप करके या कैसे भी कोई ना कोई मतलब जुगाड़ी लगा के इसको क्रॉस कर लेगा। बट अगर हम बात करें इसकी और दूसरे वाले की तो दे आर नॉट एबल टू क्रॉस द पिट। क्यों नहीं क्रॉस कर पाएंगे? बिकॉज इसके 1 leg है। हाउ इट कैन? तो इसमें क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक ब्रिज बनाते हैं इसके ऊपर। ओके अब जब हमने ब्रिज बनाया तो इट इज ए सिंपल थिंग और ए कॉमन थिंग कि ये वाला और ये वाला पर्सन भी यानी इसने तो जंप किया। ओके ये वाला रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो गया? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। लेकिन जो बाकी 2 है वो कब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए? जब हमने बीच में एक ब्रिज बनाया एंड दिस ब्रिज इज ऑफ एंजाइम्स। ओके तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि एंजाइम का मतलब है वो किसी भी रिएक्टेंट को इसके काबिल बना देता है कि दे कैन प्रोड्यूस द प्रोडक्ट्स। इज इट क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट थिंग है कि एंजाइम क्या करते हैं, किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को इनहांस कर देते हैं। उसको रेट ऑफ रिएक्शन को इनहांस कैसे करेंगे? बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स। ओके तो सिंपल सी एग्जांपल से आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। ओके सो ये तो थे कुछ जनरल से फीचर। एक और है इसमें देखिए कि जो एंजाइम्स है वो एनाबोलिक और कैटाबोलिक दोनों टाइप की रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं।
हर टाइप की एक्टिविटीज को वो क्या करते हैं, इनहांस करते हैं रेट। एनाबोलिक रिएक्शन मीन्स क्या होता है, जितने भी सिंथेसाइजिंग रिएक्शन होती है। अब ये तो बहुत सिंपल सी चीज है, हमारी बॉडी में बहुत सी चीजें बनती भी है तो बहुत सी चीजों को ब्रेक डाउन भी होता है। तो जितने भी सिंथेटिक रिएक्शन है, जितने भी सिंथेसाइजिंग रिएक्शन है, साथ में यहाँ पे जितने भी ब्रेक डाउन रिएक्शन होती है, ओके, तो दोनों टाइप की एक्टिविटीज में एंजाइम्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, तो ये तो था डेफिनेशन ऑफ द एंजाइम और जनरल फीचर्स ऑफ द एंजाइम। अब एक थोड़ा सा हम अपना नजर डालते हैं किस पे, हिस्ट्री ऑफ द एंजाइम पे। तो देखिए, फर्स्ट टाइम जो वर्ड एंजाइम था, जनरली द वर्ड एंजाइम इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज, ओके, और जिसका मतलब क्या होता है, इन ईस्ट, ओके, इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज, ओके, विच मीन्स इन ईस्ट। बट ये जो नाम एंजाइम था, द नेम एंजाइम इज गिवन बाय द विले कुहने, ओके, हु गिवन द नेम, विले कुहने, ओके। एंजाइम एक्ट इज बायोकेटलिस्ट, ऑल द एंजाइम्स आर द बायोकेटलिस्ट, दिस कैन बी स्टेट बाय द ब्रिजेलियस, ओके, हु स्टेट दिस, ब्रिजेलियस, ओके। जैमेज एंजाइम विच वॉज डिस्कवर्ड इन टू द फर्मेंटेशन ऑफ सुगर बाय द बुचनर, ओके, यानी एंजाइम वर्ड था वो किसने दिया था, विले कुहने ने। इट इज ए वर्ड फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज विच मीन्स इन ईस्ट, ओके। एंजाइम एक्ट इज बायो कैटलिस्ट, दिस वॉज स्टेट बाय द ब्रिजेलियस। जैमेज एंजाइम डिस्कवर्ड इन द फर्मेंटेशन ऑफ सुगर बाय द बुचनर, ओके। यूरियज एंजाइम, दिस यूरियज एंजाइम डिस्कवर्ड बाय द जेबी समर, ओके। Enzymes are protein. This statement or this was proved by the Summer and Northrop, as well as they are getting Nobel Prize for their this work. Okay. After that, Tishak and Alteman, they told that some known proteinaceous enzymes are also there. It means हमने बात की कि जो enzymes होते हैं वो protein के बने होते हैं, but एक ऐसा भी है ribozyme which is made up of RNA. ओके, एंड इट डू नॉट हैविंग द प्रोटीन। ये जो नॉन प्रोटीनेसियस एंजाइम था, दिस वाज डिस्कवर्ड बाय द टीशेक एंड ऑल्टमैन, ओके। इसके अलावा जब हम एंजाइम के फंक्शंस पढ़ेंगे कि वो किस तरह से किसी भी रिएक्शन को इनहांस करते हैं, तो उसकी जो लॉक एंड की थ्योरी थी एंजाइम की, कि एंजाइम एक्टिव साइट के साथ किससे, सब्सट्रेट से कंबाइन होते हैं फिर प्रोडक्ट बनता है, दैट वाज गिवन बाय द एमिल फिशर, ओके, और एक और पर्सन हुए हैं फ्रिट्ज, इन्होंने को एंजाइम को डिस्कवर किया था। किसको डिस्कवर किया था, को एंजाइम को। सो दिस इज एक, और इसके अलावा जो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसमें हम स्टडी करते हैं एंजाइम्स के बारे में, दैट इज नोन एज एंजाइमोलॉजी। जनरली हम यही कहते हैं जूलॉजी, बायोलॉजी, सो दैट इज नोन एज एंजाइमोलॉजी, ओके। सो दिस इज अबाउट द एंजाइम्स। मेन चीज है आपको ध्यान रखनी है कि प्रोटीन्स होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं, बायोकैटलिस्ट का काम करते हैं, किसी भी रिएक्शन की स्पीड इनहांस करते हैं, कैसे, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करके। इज दैट क्लियर? एंड अनदर अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द एंजाइम्स। ओके स्टूडेंट्स, लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। गुड बाय, लेट्स सी यू इन